खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आज मंगलवार है, हम आपको ये याद इसलिए दिला रहे हैं क्योंकि पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मंगलवार वो दिन होता है जिस दिन किसी गलत बात के लिए वो अपने सांसदों पर आक्रोश जाहिर करते हैं, और आज ये बात सबूत के साथ सामने भी आ गई। और जब मोदी का गुस्सा सामने आया तो सारे सांसद सन्न रह गए। बंद हॉल में मोदी के गुस्से की पूरी खबर एबीपी न्यूज को मिली और मोदी का ये गुस्सा उतरा कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय पर। ये पूरी खबर आप देखिए, उससे पहले इसकी 5 हेडलाइंस देख लीजिए। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश का नाम लिए बगैर पीएम मोदी की सख्त चेतावनी, कहा ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं। नगर निगम कर्मी को बैट से मारने की घटना पर मोदी ने कहा यह क्या हो रहा है, जिसके मन में जो आ रहा है वो करे जा रहा है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में मोदी का आक्रोश दिखा, कहा एक विधायक कम हो जाए तो क्या हो जाएगा बताइए, फर्क नहीं पड़ता। आकाश विजयवर्गीय का स्वागत और समर्थन करने वालों को भी मोदी ने चेतावनी दी, पूरी इकाई भंग कर दी जाए कहा। मोदी की चेतावनी के बाद आकाश विजयवर्गीय को कारण बताओ नोटिस भेजने का फैसला लिया गया है, 15 दिन में जवाब देना होगा। बहुत बड़ा विषय नहीं था, जबरदस्ती बड़ा बना दिया। अहंकार नहीं होना चाहिए अधिकारियों को भी, जनप्रतिनिधि से बात करना चाहिए, टेलीफोन उठाना चाहिए। इसको पूरा नगर निगम की ओर से मिस हैंडलिंग थी। तो बेटा बैट चलाए और पिता बैट मार बेटे को बचाए। कुछ दिनों पहले जब ये तस्वीरें सामने आई थी तो इन्हें देखकर हर कोई गुस्से में था। बीजेपी के तमाम नेता खामोश थे, लेकिन आज वो खामोशी टूटी और ऐसी टूटी कि पिता कैलाश विजयवर्गीय बोलती भी बंद हो गई। पीएम ने आज बोला है उस पे, पीएम ने कहा है कि कैलाश विजयवर्गीय से जब हमने इस बारे में बातचीत करने की कोशिश की, प्रधानमंत्री के टिप्पणी पर रिएक्शन कहा तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि इस विषय में कुछ भी नहीं कहना है। एबीपी न्यूज ने कैलाश विजयवर्गीय से यह सवाल तब किया जब वो बीजेपी संसदीय दल की बैठक से बाहर निकले। चुनाव के बाद पहली बार हुई इस बैठक में बीजेपी के सभी सांसद मौजूद थे, कैलाश विजयवर्गीय भी आए थे। बैठक शुरू होते ही चंदन की माला पहनाकर पीएम मोदी का स्वागत किया गया। इसके बाद बारी थी पीएम के भाषण की, और आज दिन था मंगलवार, यानी सांसदों की क्लास का दिन। आपको याद होगा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में कहा था कि हर मंगलवार को वो आक्रोश जताते हैं। मेरे सांसदों की मंगलवार को मीटिंग होती है, मैं सार्वजनिक रूप से बोलचाल में जो कुछ भी करते हैं उसके खिलाफ आक्रोश व्यक्त करता हूं, सुधारने का प्रयास करता हूं। सार्वजनिक जीवन में हमको ऐसे बड़े तिस्मार का नहीं है कि हमको कुछ भी बोलने का राइट मिल जाता है। मेरी पार्टी के सदस्यों भी मैं कहता हूं हमें कोई अधिकार नहीं किसी के लिए कुछ भी बोलने का। तो सवाल है कि आज की बैठक में किसके सुधरने की बारी थी। इन सांसदों की भीड़ में मौजूद कैलाश विजयवर्गीय को शायद अंदाजा भी न रहा हो कि आज उनका और उनके बैटमार बेटे का नंबर है। भी तो बस शुरुआत है, देखिए आवेदन निवेदन और फिर धनादन, ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन है। बेशर्मी से अपना बचाव कर रहे आकाश विजयवर्गीय का ये बयान सबने सुना, पीएम मोदी ने भी सुना था। आज उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के आकाश विजयवर्गीय की हरकत और उनकी भाषा पर अपनी नाराजगी जताई। मोदी ने कहा, क्या हो रहा है, जिसके मन में जो आ रहा है कह रहा है, कर रहा है और फिर उसको समर्थन किया जा रहा है। किसी का बेटा, सांसद का बेटा हो या मंत्री का बेटा, ये कहा जा रहा है पहले निवेदन फिर आवेदन फिर तनादन, कैसी भाषा है। क्या होगा अगर एक विधायक कम हो जाएगा। आपने सुना पीएम ने क्या कहा, पीएम ने कहा क्या होगा अगर एक विधायक कम हो जाएगा। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी सांसद सन्न रह गए। आकाश विजयवर्गीय के लिए पीएम का गुस्सा सबके सामने आ चुका है। उन्होंने किसी भी दुर्व्यवहार,
घमंड या इसको जिस रूप से दे, पार्टी का नाम अगर कोई खराब करता है तो बुरी तौर से अस्वीकार है। क्या कोई कार्रवाई करने की भी बात भी उन्होंने कही? नहीं, उन्होंने बातें अपनी पूरी रख दी और वो जब भी इस प्रकार का स्थिति आता है तो अपने मन की बात रखते हैं और फिर पार्टी को जो भी बताना होता है उन्होंने अपने मन की बात कही कि अस्वीकार्य है इस प्रकार का व्यवहार। पीएम के इस बयान से दो बातों की संभावना है, बीजेपी में आकाश विजयवर्गीय का काउंटडाउन शुरू हो गया है और आकाश का समर्थन करने वाले नेता भी दिन गिनना शुरू कर दें। पीएम इस बात से भी नाराज थे कि जेल से बाहर आने के बाद आकाश विजयवर्गीय को सम्मानित किया गया। पीएम ने कहा, उस इकाई को भंग कर देना चाहिए जो स्वागत सत्कार कर रही है। ये अहंकार, ये घमंड, ये दुर्व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता। अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। संसदीय दल की बैठक में बल्लेमार विधायक आकाश विजयवर्गीय के बारे में जो कुछ भी कहा है उसके बाद से इंदौर में आकाश विजयवर्गीय के इस घर के बाहर सन्नाटा सा छा गया है। आकाश विजयवर्गीय को थोड़ी देर बाद ही एक बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक में जाना था, मगर अब नहीं लग रहा कि वो यहां से निकलेंगे। जो मिलने जुलने वाले लोग आए हैं उनसे भी उन्होंने मना कर दिया है कि वो आज किसी से नहीं मिलेंगे। पीएम के बयान के बाद पार्टी के स्तर पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। बीजेपी की प्रदेश इकाई ने आकाश विजयवर्गीय को कारण बताओ नोटिस भेजा है। 15 दिन के अंदर आकाश विजयवर्गीय को इसका जवाब देना होगा। हालांकि चाटुकार नेताओं की कमी नहीं है, ऐसे नेताओं को पीएम की भी परवाह नहीं है। सबके पेट फिरने वाला व्यक्ति, उसके सामने जब उनकी मां तुल्य कार्यकर्ता को घसीटा जाएगा, मां बहन की गालियां लिखी जाएगी, तो कोई भी विधायक हो, कोई भी बेटा हो, अपनी माँ के साथ बेइज्जती करते हुए नहीं देखेगा और गुस्सा न स्वाभाविक। आकाश का बचाव करने वाले बीजेपी नेता अब तक चुप थे। हफ्ते भर बाद भी पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। मामला बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से जुड़ा था, इसलिए भी सबके मुंह पर चुप्पी थी। लेकिन पीएम ने सख्ती से सब साफ कर दिया और मोदी के इसी संदेश के बाद कैलाश विजयवर्गीय मुंह बंद करके भागते नजर आए। तो पीएम ने आज बोला है उस पे। पीएम ने कहा है कि अब इंतजार है उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय पर बीजेपी के एक्शन का। तो बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने अपने बयान से एकदम साफ कर दिया है कि ऐसे लोगों को सरकार या पार्टी का संरक्षण नहीं मिलेगा। न सिर्फ कानून के राज के लिए ऐसा बयान देना जरूरी था, बल्कि इससे उन नेताओं को भी सबक मिलेगा जो आगे आकाश विजयवर्गीय जैसी हरकत के बारे में सोच सकते थे। अब पार्टी की बारी है, क्या वो आकाश विजयवर्गीय पर एक्शन लेगी? मास्टर स्ट्रोक, दे दनादन का दाव बैटमार को उल्टा पड़ा है।